awaken the gods of the world. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. द्वारका से आपके लिए लेके आऊँ। द्वारका में काफी बड़ी मार्केट है कार की, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये वीडियो देखने का पता चल जाएगा। और यार यहाँ पे काफी रीजनेबल प्राइस में आप कार मिल जाती है। आज मैंने बनाई है जेके मोटर्स पे वीडियो। तो हेलो भैया, मैं आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो भैया एक बार बताइए कि आपके यहाँ पर मिनिमम कितने से स्टार्ट हो जाती है कार? हमारे पास मिनिमम 1 लाख से 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है कार। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 10 लाख रुपए तक की कार आपको मिल जाती है। तो आगे वीडियो में मैंने सारी कार दिखाई थी उनके पास इस टाइम स्टॉक में अवेलेबल थी, और बाकी सारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ की सारी डिटेल। नंबर वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यार कॉल इतनी ज़्यादा आती है तो ये पूरा पूरा सपोर्ट नहीं कर पाते कस्टमर्स को। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप शॉप पे विजिट करें, यहाँ पे एक बार स्टॉक देख लें सारा का सारा, और आपको जो सा पसंद आता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो भैया लोन वगैरह की फैसिलिटी होती है अपने पास? हाँ जी, सारी फैसिलिटी। तो वो लोग इंडिया में जाता है या फिर दिल्ली? दिल्ली के लिए खाली, दिल्ली दिल्ली में आपका लोन हो पाएगा। आपको कागज दिल्ली के देने होंगे तभी आपका लोन हो पाएगा, सही मतलब होता है दिल्ली दिल्ली का। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, वन बाय वन करके आपको सारा स्टॉक दिखा दूंगा। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखो मैं आपको ये दिखा दूँगा यहाँ पे पहली कार। पहले कार का एक बार आपको सारा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद अंदर से कंडीशन दिखाऊंगा और रेट बता दूंगा, ठीक है? तो भैया क्या प्राइस है इसका? हाँ, इस गाड़ी का कितना प्राइस है? 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपए में मिल जाएगी आपको। अंदर से एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई 1 लाख रुपए में तो ठीक है यार, कार 1 लाख रुपए की तो वर्थ है। और कौन सा मॉडल है? 2009 मॉडल। फर्स्ट ओनर है, ठीक है। इसके बाद अगली गाड़ी दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद ये देखो अगली कार, ये i10 है। कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल है i10। एक बार कार आपको दिखाता हूँ मैं पूरी। तो बाकी यार इनके पास ना स्टॉक बहुत ज़्यादा है, ये देखो, ठीक है। जितना आप देखोगे ना सारा इन्हीं का स्टॉक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, इसकी बात करें तो i10 है। कौन सा मॉडल है? 2010 पेट्रोल में है ये। और क्या डिमांड है भैया? 1,70,000 रुपये की। अंदर से यार लॉक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। 1,70,000, ठीक है। और इसके बाद ये देखो नेक्स्ट कार, ये वाली आप देख लो, ये होंडा की स्विफ्ट है। क्या प्राइस है इसका? इसका 4.5 लाख रुपये। ये 4.5 लाख रुपये में है। तो मैंने ऐसे रैंडम दिखा रहा हूँ आपको कार, जो मेरे को अच्छी लग रही है ना वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कार है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये भी देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ कार यहाँ पे खुली हुई है कुछ कार लॉक है, तो एक बार बता देता हूँ अंदर से देख के। ये खुली हुई है। और क्या डिमांड थी भैया इसकी? 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये की, ठीक है। ये 4.5 लाख रुपये की है, ठीक है। साफ सुथरी गाड़ी है, टॉप नॉच है एकदम। और कितनी डिमांड बताई थी? 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये में अच्छी कार है। और कितनी किलोमीटर चली हुई है लगभग? वही 60 चली होगी, 60,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। बाकी पूरा कार का ओवरव्यू देखो, उसके बाद बात करते हैं। ये देखो अर्टिगा खड़ी हुई है मेरे पीछे बिल्कुल। इसका क्या डिमांड है भैया? 2014 मॉडल। 6.5 लाख रुपये में मिल जाएगी अर्टिगा आपको, डीजल में ये, ठीक है। ये देखो, देखते हैं अगर ये अंदर से भी कंडीशन, मेरे को तो अच्छी लग रही है। ये देखो 6.5 लाख रुपये बताया, 6.5 लाख रुपये में अंदर से देखो,
ये देख रहे हो, मतलब कार काफ़ी अच्छी है। इसके टायर्स वगैरह भी देखो आप, प्रॉपर टायर्स वगैरह भी इसके अच्छे हैं। इसके बाद बात करें, जस्ट पीछे ईको खड़ी हुई है, ईको की बात करें तो ईको का क्या प्राइस है? 2012 मॉडल है, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये में 2012 मॉडल। और सीएनजी लगी हुई है इसमें? हाँ, अच्छा ठीक है, सीएनजी किट इसके अंदर आपको लगी हुई मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जरा इसको अंदर से देखो। ये देखो सीएनजी आपको यहाँ पे दिखी गई होगी, पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसके बाद एक नेक्स्ट, ये भी स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर। इसका कितना प्राइस है इस वाली का? 2011 मॉडल है, 3 लाख रुपये। ये 3 लाख रुपये में मिल जाएगी, 2011 मॉडल, ठीक है, डीजल वर्जन है। ये देख लो, मैं आपको पहले एक बार पूरी कार दिखा देता हूँ, पूरा कार का ओवरव्यू दे देता हूँ बाहर से, ठीक है। नंबर वगैरह आप देख सकते हो, और इसके अलावा बाकी कार की कंडीशन एकदम सही है, ठीक है। ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है कार पे, ओके कार है। अंदर से एक बार देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है, काफ़ी अच्छी कार है। और ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर मिलेगी ये कार भी आपको। और क्या डिमांड है इसका? 3 लाख। 3 लाख रुपये, ओके। ये देखो, बाकी पीछे देख सकते हो आप। इसके बाद बात करें, एक वैगन आर खड़ी हुई है जस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये वाली वैगन आर देखो आप, कंपनी विद सीएनजी इसमें। अच्छा, इसमें सीएनजी और कंपनी विद सीएनजी है। अच्छा, कंपनी की सीएनजी किट लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, जो कंपनी से ही लगी हुई आती है वो वाली सीएनजी है। पर आपको पूरा कार का लुक दिखाता हूँ। कौन सा मॉडल है ये? 2011 मॉडल है, ठीक है। एक बार फ्रंट से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यार, कार काफ़ी अच्छी है। अब एक बार अंदर से देख लेते हैं। और भैया डिमांड क्या है इसका? हाँ जी, 2,10,000 रुपये। 2,10,000? 2,10,000 रुपये। तो थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है या फिक्स प्राइस? नहीं, कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा, आओगे ऑन टेबल थोड़ा कम हो जाएगा जब आप, ठीक है। और ये देखिए, बाकी कार वगैरह एकदम बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये फीगो, ये भी ये फीगो, हाँ, 1,90,000 रुपये मिल जाएगी मात्र, 1,90,000 रुपये में। ये देखो, 1,90,000 रुपये की कार है ये, ठीक है, ठीक है। और ये खुली हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से, देखो अंदर से भी ठीक है कंडीशन इसकी। और बाकी इसके अलावा यार, मतलब कार इतनी सारी है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। आपको ये दिखा देता हूँ, इसका कितना प्राइस है? 4.5 लाख रुपये में आपको ये देखो, ये भी मिल जाएगी 4.5 लाख रुपये की है। अब अंदर से आपको मैं क्या क्या कार दिखाऊं, इसके बाद अब आपको मैं कुछ और अच्छी अच्छी कार दिखा दूँ। इसके बाद ये देखो, नेक्स्ट कार आपको दिखा देता हूँ, ये i20 है, ये लोग आप मांगते हो ना i20। और क्या प्राइस है? 3,30,000 रुपये में आपको i20 मिल रही है यहाँ पे यार। ये देखो कार अंदर से देखो, काफ़ी बढ़िया है कार, ठीक है। और क्या डिमांड बताई? 3,30,000 रुपये मिल जाएगी। कौन सा मॉडल है? 2013 मॉडल है। और इसके बाद एक वैगनार खड़ी हुई है, क्या प्राइस है? 2009। क्या प्राइस है? 1,30,000। 1,30,000 रुपये मिल जाएगी आपको वैगनार है। सीएनजी है, पेट्रोल है? ये पेट्रोल में है, ठीक है। और अंदर से देख सकते हो आप, और ये देखो पूरी कार आपको दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद पीछे भी एक खड़ी है ये वैगनार, इसका कितना प्राइस है? हाँ जी, 2 लाख रुपये। ये आपको मात्र 2 लाख रुपये में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हो सीएनजी ऑन पेपर, ये सीएनजी में मिल जाएगी आपको, कंपनी की तरफ से लगी हुई सीएनजी मिलेगी इसके अंदर किट। और बाकी अंदर से कार की कंडीशन ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैं नेक्स्ट और कार दिखा देता हूँ, क्योंकि यार कार की यहाँ पर भरमार है। इसके बाद आपको एक ये मिल जाएगी ऑल्टो, ऑल्टो K10 है, ठीक है। पीछे से दिखा दी मैंने आपको, अब आपको मैं इस तरफ से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका क्या प्राइस है? हाँ जी, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख रुपये मिल जाएगी, 2,50,000, 2.5 लाख रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। बाकी अंदर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन थोड़ी, ठीक है भाई। और देखो आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको ये मार्केट के अंदर कार ही कार दिख रही होंगी, ठीक है।
तो भाई ये देखो, इसके बाद आपको नेक्स्ट ये वाली कार मिल जाएगी। यहाँ पे स्विफ्ट है, ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर नहीं है ये, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी कार, देखते हैं उसका रेट वगैरह पूछेंगे और मॉडल वगैरह। पूरी कार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये आप पूरी कार यहाँ पे देख सकते हो। क्या डिमांड है भैया इसका? 2,50,000। ये 2,50,000 रुपये की मिल जाएगी आपको, 2,50,000 रुपये की, ठीक है। अंदर से देखो, और इसके बाद एक पीछे ये कौन सी है? एस टी लो खड़ी हुई है। और क्या प्राइस है इसका? 1,60,000 रुपये मिल जाएगी आपको मात्र। ये देखो अंदर से, ठीक है, और आपको शॉप का दिखा दूंगा। ये देखो शॉप कुछ इस तरीके की आपको मिल जाएगी वहाँ पे देखने को, ठीक है। बताया शॉप्स हैं यहाँ पे, देखो लाइंस हैं, ठीक है। मैंने आपको एक शॉप का दिखा दिया कि कैसी है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो भी मिल जाती है, इस तरीके की स्कॉर्पियो मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। स्कॉर्पियो मिल जाएगी इस तरीके की, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अंदर से देखने के बाद आपको इसकी इसका रेट वगैरह सब बता दूंगा। बाकी ये अंदर से कार ही अच्छी है, ये देखो पूरी कार, पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चार मॉडल खड़े हैं स्कॉर्पियो के, सबके रेट बता दूंगा भैया। क्या प्राइस है इसका और कौन सा मॉडल है? 2012 मॉडल। क्या डिमांड है भैया? 5,25,000। 5,00,000 रुपये मिल जाएगी, 5,25,000 रुपये में। इसके बाद एक ये वाला मॉडल है, इसका कितना प्राइस है? 2014 मॉडल है। और क्या प्राइस है? 6,00,000। ये 6,00,000 रुपये की मिल जाएगी आपको। बाकी कार की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरे पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 6,00,000 रुपये की कार है ये, अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका क्या प्राइस है? 6,25,000 रुपये। कौन सा मॉडल है? 2013 मॉडल। और इसका देखिए ब्लैक कलर में मिल जाएगी। इसका क्या प्राइस है? 6,50,000। कौन सा मॉडल है भैया? 2014 मॉडल। ठीक है, ये देखो कार देख सकते हो आप। बाकी देख रहे हो आपको जितनी कार दिख जाएंगी ना वहाँ तक सब, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है।